नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। डेली कैंडल चार्ट में निफ्टी में आप क्लियरली देख पा रहे हो रेजिस्टेंस डाउनवर्ड है, उसके साथ ही सपोर्ट डाउनवर्ड है। तो यहां से प्राइस, हमको लगता है कि प्राइस अपवर्ड ही जाएगा। कल आने वाले कल में भी मार्केट पॉजिटिव जाने के चांसेस है। नीचे एक स्पिनिंग बॉटम बना के पॉजिटिव ट्रेंड में गया है और आप अगर आवरली चार्ट में देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे एक कंप्लीट डब्ल्यू बना है। तो अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है 17,900 तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा उछाल भरा परफॉर्मेंस देने दे सकता है। उसी तरह राइजिंग वेज पैटर्न को अगर देखें, 2 दिन के अंदर अगर ये राइजिंग वेज रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो मार्केट एक नया हाई भी आपको दिखा सकता है। पोजिशनल के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी मार्केट नेगेटिव मार्केट में मैं कैसे ऐसे दावे के साथ कह सकता हूँ। अदानी के शेयर्स थोड़े देखते हैं। मार्केट अगर आने वाले समय में भी रशिया और यूक्रेन के वॉर में भी जब गिरा था तो हमने देखा था कि मार्केट कैसे रिएक्ट किया और ऊपर आया। अदानी का शेयर अगर देखेंगे तो डेली कैंडल चार्ट में रेजिस्टेंस ये वाला यूज़ हो रहा है और सपोर्ट ये वाला यूज़ हो रहा है, वहाँ पे जाके टच होके वापस आया है। आवरली कैंडल चार्ट में अगर देखें तो यहाँ पर भी एक फॉलिंग वेज बन रहा है। हमने दोनों साइड के सेटअप रखे हैं। अगर प्राइस पॉजिटिव साइड में अगर 1760 तोड़ता है तो हमने टारगेट रखा हुआ है 2600 तक जा सकता है। उसका अगर स्टॉप लॉस देखा जाए तो 1780 का रख सकते हैं। उसी तरह सेल साइड में अगर करना चाहते हैं तो जैसे ही 1000 तोड़ता है आप सेल साइड के अंदर जा सकते हो, 366 के तक भी आ सकता है। लेकिन हम थोड़े पॉजिटिव सोच रहे हैं क्योंकि फॉलिंग वेज बन रहा है तो मार्केट हो सकता है फॉलिंग वेज को तोड़ के इसको फिर से वापस 2500 के आसपास ले जाए। डेड कैट बाउंस प्रिंसिपल के हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह मैं अगर निफ्टी के बारे में बताऊं तो लास्ट जो फ्राइडे था हमने क्लास चलते वक्त 15 मिनट के चार्ट में मैंने निफ्टी में एक मार्क किया था। मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ तो मैंने बोला कि यहाँ से नीचे आएगा, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगी। एक रैंडम मार्क था और मार्केट वैसा ही परफॉर्म किया। तो आने वाले कल के लिए भी मेरा पॉजिटिव ही व्यू है। हो सकता है मार्केट थोड़ा पॉजिटिव जाए, अगर नेगेटिव जाता है तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाएगा, साइडवेज रह सकता है। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग।